कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। पाकिस्तान को लेकर दिया अय्यर ने विवादित बयान। अय्यर ने कहा, भारत करे पाकिस्तान की इज्जत। पाकिस्तान के पास परमाणु बम कर सकता है हमला। अय्यर पीएम मोदी को लेकर भी दे चुके हैं विवादित बयान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर एक विवादित बयान दिया है। मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है। अगर हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो वह भारत पर परमाणु हमला करने की सोच सकता है। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। Okay. और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है, हाँ हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के, 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे तो कोई पागल वहाँ आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्वगुरु बनना हो तो ये ज़रूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। Okay. पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये भी है, और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे। मणिशंकर अय्यर के बयान पर भाजपा का पलटवार। अय्यर का बयान पाकिस्तान से प्रेम करने जैसा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस भारत में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को इज्जत देने की बात कर रही है। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों एवं पाकिस्तान के साथ दिख रहा है, और अब इसका एक और प्रमाण सामने आ गया है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं? सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या मस्कुलर पॉलिसी है, पाकिस्तान के भी सारे मसल अर्थात एटम बॉम्ब पड़े हुए हैं। ये है मणिशंकर अय्यर कि अपने देश को ही बोलते हैं, अपने देश की सेना को ही बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए कदम मत उठाओ, आतंकवाद करने वाले देश के सामने गिड़गिड़ाओ और बात करो, और आतंकवाद भेजने के लिए, आतंकवादी भेजने के लिए उनकी इज्जत करो। इसी के चलते 26/11 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं की थी, बल्कि मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया था, स्टेटस दिया था, और हर दूसरे तीसरे सप्ताह आतंकवादी घटनाएँ होती थी। अब जब पुलवामा होता है या बालाकोट होता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, और तब जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद के होश ठिकाने आते हैं। आज पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें बख्श दीजिए भारत। पहले हम जाते थे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें पाकिस्तान के आतंकवाद से बचाइए, आतंकवादी हमला करके चला गया। पर देखिए, एक पूरी लंबी फहरिस्त कांग्रेस की, कैसे उन्होंने पहले पाकिस्तान से समर्थन आया तो 26/11 में कसाब को क्लीन चिट दिया, भारत पे दोष डाला, इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर बोलकर पाकिस्तान की जुबान कश्मीर पर बोली, पुलवामा और पूंछ पर एक नहीं अनेकों कांग्रेस नेताओं ने, चाहे चन्नी जी हो, चाहे राजा वाडिंग हो, चाहे हरियाणा के कांग्रेस कैंडिडेट हो, उन्होंने लगातार पाकिस्तान के विषय में बयान दिए। और अब तो
किस प्रकार से आतंकियों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ दिखाई दे रहा है, इसका एक और प्रमाण सामने आया। बहरहाल इससे पहले पुलवामा और पुंछ आतंकी हमले को लेकर कई कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान आ चुके हैं, लेकिन अब मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद राजनीति और गर्मा गई है। खास खबर.com के लिए सत्येंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।